संग भोलेनाथ के गले में सर्प रहता है, आखिर उसका वजह क्यों है, सर्प क्यों उनके गले में? क्योंकि उन्होंने विष पिया था, मे बी शायद। हर भोला हर भोला भोला बाबा हर हर, हर शिव हर शिव 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 हर। बाबा को कुछ चढ़ा दो, श्रद्धा से चढ़ा दो, प्रसन्न रहेंगे। ना महादेव खोली ना नए ना मानू। नमस्कार, आप जुड़ गए हैं बोले भारत से और मैं हूं कुमार मनीष। अभी हम पटना के खजपुरा शिव मंदिर के पास है। पहले देखिए इस मंदिर को दिखा रहे हैं ऊपर से नीचे, हम चाहेंगे कैमरामैन से एक बार दिखाइए इस मंदिर को। और सावन की पहली सुमारी और अभी टाइम 12 से प्लस हो रहा है, फिर भी श्रद्धालुओं की भीड़ अभी यहाँ पर कम नहीं हुई है। तो देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ 12 प्लस हो गया, 12 से ऊपर, दोपहर से ऊपर हो गया समय, फिर भी श्रद्धालुओं की आना कम नहीं हुआ यहाँ पर। और यहाँ मंदिर की क्या खासियत है, सुबह से कितनी भीड़ थी, आइए सीधा हम बाबा से जुड़ते हैं और बात करते हैं, बाबा से कुछ सवाल करते हैं। तो ये सावन की पहली सुमारी है, उसके बारे में आप श्रद्धालुओं से क्या कहेंगे? श्रद्धालुओं से यही कहेंगे कि अपना भक्ति श्रद्धा भक्ति से पूजन करें, उनकी मनोरथ पूर्ण होगी। इस खजपुरा मंदिर की खासियत कुछ बताइएगा। खजपुरा किसी भी शिवालय का विशेष महत्व, उसमें भी श्रावण है, श्रावण का सोमवार का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रेषति, पत्र पुष्पे भगवान शिव प्रसन्न होने वाले देवता हैं, गरीबों का देवता हैं। आप श्रद्धा भक्ति से पूजा करेंगे अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बाबा एक दो सवाल है जो श्रद्धालुओं से पूछते हैं तो कुछ बता पाते हैं कुछ नहीं बता पाते हैं। पहला सवाल ये है कि बाबा भोलेनाथ अपने जट्टा में गंगा जी को क्यों रखते हैं? वो तो एक पौराणिक कथा है। हाँ। कि जटा में, उसके बारे में बताएंगे। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। भगवान शिव के जटा में गंगा रमण करती है, तरंग लेती है जी। उनका वेग जब भागीरथ तपस्या की और पृथ्वी पर आने की बात हुई तो उनका वेग इतना तीव्र था कि उसको पृथ्वी पर कोई सहन करने वाला नहीं था। तो लास्ट में भगीरथ शिव की तपस्या किए, शिव अपने जटा में धारण करने के लिए तैयार हो गए और उससे विष्णु के कमंडल में गया और उससे धीरे धीरे पृथ्वी पर उसका विचरण हुआ। अच्छा एक सवाल और रहेगा बाबा, जो गले में भोलेनाथ का सर्प रहता है उसका वजह क्या है, क्यों भोलेनाथ सर्प को गले में रखते हैं? सर्प का इसलिए विशेष महत्व है कि वासुकी जो सर्प हैं उन्होंने घोर तपस्या किया था। हाँ। तो इससे प्रसन्न हो करके शिव अपने गले में धारण किए, वो कहे थे कि मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। हाँ। भगवान शिव अपने गले में ही उनको हार के रूप में धारण कर लिए। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान माने तामसी वृत्ति को भी अपना लेते हैं, माने कोई भी उनके लिए गलत नहीं है। हाँ। सभी को अपने आप में अपना लेते हैं। और जैसे कि शिवरात्रि में भीड़ होता है उस तरह का अभी नजारा देखने को, सुमारी में भीड़ नजारा आ, देखने को मिला है। हाँ जी। अच्छा ये शिवरात्रि कब है बता देंगे? शिवरात्रि। हाँ? शिवरात्रि 15 तारीख को मास शिवरात्रि है, प्रदोष और मास शिवरात्रि 15 तारीख को है जी। आज श्रावण मास की पहली सुमारी है और आप लोग पूजा करने आए हैं। पहले तो श्रावण मास की सुमारी को आप लोग को भी शुभकामनाएं। यहाँ पूजा करके कितनी सुकून मिलती है? देखिए मंदिर तो मंदिर होता है, कहीं भी पूजा करके सुकून ही मिलती है। श्रावण मास की पहली सुमारी को, सावन मास की पहली सुमारी को जो पूजा होती है ना वो बहुत ही खास होता है, मतलब हम हिंदुओं के लिए, क्योंकि वो साल में एक बार ही आता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है। ये पता है कि 2 मास लगा हुआ है, 58 दिन की ये पूजा है। हाँ मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि भोलेनाथ के बारे में कुछ जानते हैं? सनातनी है, हिंदू धर्म से आते हैं तो कुछ तो नॉलेज होगा। कोई तांडव शिव तांडव याद हो तो कुछ सुना दीजिए। सॉरी मुझे याद। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए कि जो भोलेनाथ के गले में सर्प रहता है, आखिर उसका वजह क्यों है, सर्प क्यों उनके गले में रहता है? क्योंकि उन्होंने विष पिया था, मे बी शायद। अच्छा चलिए, जिनकी जितनी नॉलेज है उतनी बता, अपना नाम बता देंगे। नहीं मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। अभी मंदिर पूजा करने कहाँ से? मैं अभी राजीव नगर। अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और श्रद्धालु हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या
बाबा भोलेनाथ अपने जटे में गंगा जी को क्यों रखते हैं, आइए कुछ और श्रद्धालुओं से बात करते हैं। और बात करते हुए नीचे भी चलेंगे क्योंकि नीचे अभी जल चढ़ा रहे हैं श्रद्धालु। पहले आइए कुछ और भी श्रद्धालु से बात करते हैं। आइए आइए, कुछ माता जी लोग बैठी हैं। क्या नाम है चाची? बताइए। नहीं करने ना? जी हाँ। क्या नाम है? गुड़िया। नहीं, पूरा सावन आएंगे करने के लिए, पूरा सावन। भोले बाबा के लिए गीत तो कुछ गा दीजिए। हर भोला भोला बाबा हर हर, हर शिव हर शिव 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 हर। देखिए चाची ने हर भोला हर शिव को मनाने के लिए एक अपनी छोटी सी गीत की प्रस्तुति की। देखिए हमारे सनातन धर्म में जिसको जैसे मनाता है, जितनी श्रद्धा होती है उतनी भक्ति दिखाती है। कोई पूजा पाठ करके जाता है, कोई दिल से गीत गा के भजन गा कर बाबा को प्रसन्न करते हैं। आइए कुछ और श्रद्धालु हैं जो जल चढ़ा रहे हैं, चलिए नीचे की ओर रुख करते हैं। और श्रद्धालु जो जल चढ़ा रहे हैं उन श्रद्धालुओं से पूछेंगे कि क्या बाबा से मांगने आए हैं। महादेव खोली ना नय ना मानू हो, शिव गुरु देहू दरसाना मानू। तो चाची लगता है कि शिव चर्चा करती है, इसीलिए शिव को गुरु को मनाइए। शिव चर्चा करती है नहीं, हाँ शिव को मनाती है। कि यहाँ गार्ड साहब लोग की भी ड्यूटी लगी हुई है, श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी ज़्यादा सुबह से थी, अभी कुछ कम हुई है क्योंकि दोपहर से ज़्यादा हो गया है। आइए हम सीधा भोलेनाथ के दरबार में चलते हैं अंदर और दिखाते हैं जिस तरह से जल चढ़ रहा है बाबा को, और श्रद्धालु जो जल चढ़ा रहे हैं उनकी क्या मनोकामनाएँ हैं। तो देखिए यहाँ बाबा पर जल चढ़ा रहे हैं, एक बाबा है यहाँ पर, बाबा बार बार साफ कर रहे हैं जल। बाबा स्वागत है आपको बोले भारत में। ये अच्छा, हम ये सावन की आज पहली सुमारी है, दो मास लगने के कारण दो मन का सावन हो गया है, 58 दिन का सावन हो गया है। बाबा पहली सुमारी में श्रद्धालुओं की कब से भीड़ है? सवेरे पाँच बजे से। अच्छा 5 बजे से भीड़ है, अभी कम हुई है, अभी बस थोड़ा सा। थोड़ा अच्छा बाबा, एक सवाल है कि भोलेनाथ को सावन में बिलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? बाबा को सावन में बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है ये हर एक सनातन वासियों को पता है। हाँ। आप कुछ नहीं बता पाए? बाबा के सामने में बाबा को प्रिय, सबसे प्रिय। अच्छा, हाँ। बेलपत्र। और क्या क्या होता है बाबा के? बाबा को प्रिय दूध। अच्छा, जो सावन में श्रद्धालु पूजा पाठ करने, मधु है, शहद है, मधु मतलब शहद है। बाबा को आप जो चढ़ाइए बाबा को सब पसंद है। अच्छा बाबा सबसे ज्यादा प्रसन्न किस पे रहते हैं, चढ़ावा क्या चढ़ाने से प्रसन्न रहते हैं? बाबा को कुछ चढ़ा दो, श्रद्धा से चढ़ा दो, प्रसन्न रहेंगे। अवगढ़दानी है। श्रद्धा से चढ़ाओ, हाँ, कुछ भी चढ़ा दो। हाँ। अच्छा ऐसे पल्स बाबा को श्रद्धा से जो चढ़ा दोगे ना उनको कबूल है बस, और हम क्या बोले। सुबह 5 बजे से यहाँ भीड़ लगी हुई थी, अभी खैर भीड़ कम हो गई क्योंकि दोपहर से ज़्यादा टाइम हो गया है और ये सावन की पहली सुमारी है। अभी 7 सुमारी बाकी है क्योंकि दो मास लगने के कारण 58 दिन का सावन मास चला गया है और 7 सुमारी बचा है। हर सावन को आपको हर अलग अलग मंदिर के जगह से आपको दिखाएंगे कि कहाँ पर कितनी श्रद्धालुओं की भीड़ हो रही। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त, धन्यवाद।